हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। सो प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक। टुडे वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर एंड विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सो योर पेज नंबर विल बी 38। ओके, प्लीज ओपन इट फास्ट। एंड योर चैप्टर नंबर इज 13 एंड द चैप्टर नेम इज द किंग्स रिंग। सो वॉट इज द मीन ऑफ रिंग? रिंग मीन्स अंगूठी जो आप अपनी फिंगर में पहनते हैं। एंड किंग्स मीन्स राजा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ओ इन दिस पिक्चर किंग इज स्लीपिंग। इट इज अ गन, इट इज अ रिंग। ओके, आई थिंक दिस इज अ पैलेस। ओके, सो द किंग इज इन द पैलेस। ही हैज अ मैजिक रिंग। द किंग स्लीप्स ऑन द बेड। सो यू कैन सी हियर द किंग इज इन द पैलेस। किंग कहाँ पर है? पैलेस में है, अपने महल में। पैलेस का मतलब होता है महल। ओके, एंड ही हैज़ अ मैजिक रिंग। इसके पास क्या है? मैजिक रिंग है। मैजिक मतलब होता है जादुई, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, एक जादू वाली अंगूठी है। द किंग स्लीप्स ऑन बेड। किंग किस पे सो रहा है? बेड पे सो रहा है। ओ ओके, सॉरी आई फॉरगेट टू टीच न्यू वर्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट। पैलेस, पैलेस मीन्स महल। मैजिक मीन्स जादू। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। वेक मीन्स होता है जागना। ओके, सो पैलेस, मैजिक, क्लाइंब एंड वेक। नाउ विल कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। सो यू कैन सी हियर सम पीपल्स आर क्लाइंबिंग, राइट? सो द गैंग ऑफ मैन गोज टू रॉब द किंग। द मैन टेक द रिंग। सो यू कैन सी हियर सभी मेंस क्या कर रहे हैं? किंग के महल में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सभी मैन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द मैन टेक द रिंग। एक मैन ने क्या किया? यू कैन सी हियर इसको एक रिंग मिल गई है, वही जो जादुई रिंग थी। ऑल द मैन सिंग ला ला ला। सभी चोर क्या गाते हैं? गाना गाते हैं, ला ला ला। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट पैराग्राफ। द किंग वेक्स अप। किंग जग जाता है। द किंग टेक्स अ गन एंड शूट्स। बैंग बैंग बैंग। सो यू कैन सी हियर जैसे ही ये लोग गाना गाते हैं ला ला ला, सो वैसे ही द किंग वेक्स अप, वैसे ही राजा जग जाता है। एंड द किंग्स टेक अ गन एंड शूट्स। और किंग अपनी गन को लेता है और शूट करता है। शूट करने पर कैसे हो जाती है? बैंग बैंग बैंग। And now you can see here the king gets the ring back. King is happy and sings la la. So the king gets the ring back. King को दोबारा से अपनी अंगूठी, magical ring जो होती है वो वापस मिल जाती है। और king बहुत happy होता है और गाना गाता है la la la. Okay? So this is the story of this chapter. So now we will do question answers as well. So answer the following questions orally. But you, we will not do the orally. We will write these question answers in our copy as well. Okay. So where is the king? So answer should be the king is in the palace. You can see here. King कहाँ पर था? Palace में था. Okay. And what does the king have? King के पास क्या था? So the king has magic ring. King के पास क्या था? Magic ring थी. Okay. Who comes to rob the king? तो इसका आंसर क्या होगा? The gang of men goes to rob the king. Okay? And what will the next? What did the king do to get the ring back? राजा ने ring को दोबारा से पाने के लिए क्या किया? So the king takes a gun and shoots, okay, to get the ring back. And does the king get the ring back? So kya raja ko ring wapas mil gayi thi? So answer will be yes, the king get the ring back. Okay, we'll do next exercise as well. Cross out the inappropriate word in each of the following sentences. You have 4 sentences and you have 2 words in each sentences, so you have to
क्रॉस आउट द फॉलोइंग सेंटेंस, ओके, जो गलत है उस पर आपको क्रॉस करना है. सो द किंग स्लीप्स ऑन द ग्रास और बेड. सो यहाँ पर गलत क्या है? ग्रास. सो हम किसको रॉन्ग करेंगे, किसको क्रॉस आउट करेंगे? ग्रास को, ओके, क्योंकि किंग बेड पे सो रहा था. द मैन टेक द रिंग स्लैश गन. सो मैन ने क्या किया था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर होगा मैन ने क्या लिया था? गन लिया था, है ना, उन थीप्स को मारने के लिए. और यहाँ पे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, द मैन टेक द रिंग, तो ये रॉन्ग है, इसलिए आप इसको क्रॉस आउट करेंगे क्योंकि उसने गन उठाई. द किंग टेक्स अ स्टिक टू शूट. नो, यस, स्टिक को आप क्रॉस आउट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा? गन. द किंग टेक्स अ गन टू शूट. द किंग ईट्स वेक्स अप. सो द किंग वेक्स अप, इसलिए ईट्स रॉन्ग है, इसलिए आप इसको रॉन्ग करेंगे. Now we'll do last exercise. Name the pictures. So you can see here he is a king. So you have to write here king. It is ring. So you have to write here ring. This is thread. Thread means hota hai dhaga. So you have to write here thread. These are men. So men, M-E-N, men. Or M-A-N, man matlab ek aadmi. Men matlab bahut saare aadmi. Okay. So now your class is over. I hope all of you understood about these things. If you have any kind of query, so please comment me. Okay, and I will definitely give you answer of your problem. And if you like these videos, so please, and if it is helpful for you, so please subscribe it. Thank you. Bye bye.